हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेजेंद्र ब्लॉग। आज मैं सिविल हॉस्पिटल में आया था और आज मैंने अपना कोरोना का इंजेक्शन लगवा चुका हूं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो उसके लिए आपको एक पैन कार्ड, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको लेके जाना पड़ेगा। और वो लिखने के बाद आपका नाम, एज, पता वता, मोबाइल नंबर सारा ले लेते हैं और उसके बाद आपको एक डोज लगाते हैं। तो मेरे को तो पहले कहा था कि शायद आप टेस्ट करेंगे, तो लगाने के बाद वो कहते हैं जी आप बैठ जाइए। तो मैं आधा घंटा बैठा रहा, तो मैंने सोचा शायद अभी लगेगा इंजेक्शन। तो दोबारा पूछने के, तो वो कहते जी आपको कोरोना का इंजेक्शन लग चुका है, अब आपको दोबारा नहीं लगेगा, आपको दो पैरासीटामोल की गोली दे दी गई है, एक आपने रात को खानी और एक कल के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो। तो उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि सर्टिफिकेशन की बात, तो कहते जो इसका सर्टिफिकेट आपको अभी नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको 45 डेज वेट करना पड़ेगा, जब सेकेंड डोज लेने आएंगे तब आपको इसकी सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो मिल सकता है। तो जो इंजेक्शन मेरे को लगा है उसका तो मेरे को पता भी नहीं चला क्या इंजेक्शन था, हल्का सा, बहुत ही ब्रेक सा इंजेक्शन है। तो अभी तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। बाकी शाम के टाइम अगर फीवर होता है या नहीं होता है उसके बारे में मैं आपको रात के वीडियो बना के सुबह के टाइम अपलोड करके पूरा कन्फर्मेशन दूंगा कि कोरोना का जो फर्स्ट वैक्सीनेशन है उसमें क्या क्या प्रोसेस या हेल्थ इशू आते हैं या नहीं आते हैं। कीप ऑन वॉचिंग।